गाइस, मैं हूँ 30 मार्का। आज हम कमाएंगे पैसे। हम लोगों के दिमाग में खुराफा चल रही है, क्या हम लोग पैसे कमा सकते हैं, मतलब छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में दिमाग का इस्तेमाल करके। तो आज वही करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हम कामयाब होते हैं नहीं। छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो, माँ बाप से माफी मांग लो। गाइस, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो पुराने व्हीकल्स होते हैं, जो स्क्रैप में गाड़ी हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, ये सब बहुत कम रेट पे बिकते हैं क्योंकि कबाड़े में बिकते हैं। लेकिन जब इनको काट करके चीजें अलग अलग करके बेचा जाता है तो वो चीजें महंगी बिकती है। और आज इसी बिजनेस मॉडल को हम लोग अप्लाई करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए हम लोग निकल चुके हैं एक ऐसी सर्च पे जहाँ पर हम ढूंढेंगे कोई पुराना व्हीकल, उसको खरीदेंगे, उसके बाद में उसको काट काट के बेचेंगे। देखते हैं गाइस कितने रुपए का हमको प्रॉफिट होता है। This is business. और भाई ये बिजनेस है तो इसमें लॉस भी हो सकता है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फटाफट शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। उम्मीद करते हैं कि हम कुछ पैसे कमा पाए। गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि हमको व्हीकल्स कैसे मिलेंगे, तो भाई इंडिया में व्हीकल्स की जो टाइम है चलने का रोड पे, वो है गाइस सिर्फ 15 साल का, डीजल हो या पेट्रोल हो। उसके बाद में आप उन व्हीकल्स को रोड पे नहीं चला सकते, वो स्क्रैप हो जाते हैं। लेकिन लोहा तो उनमें रहता ही है गाइस, तो हम ऐसे व्हीकल्स खरीदेंगे जिनकी डेट निकल चुकी है, जिनको हम कबाड़ में खरीद सके। और हम लोग चाह रहे हैं कि बड़ा व्हीकल हमको मिले जिसके अंदर ज्यादा वजन हो। तो अगर कोई बस मिल जाती है कबाड़ में या फिर कोई ट्रक मिल जाता है तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी हम तो गाड़ियां भी नहीं छोड़ेंगे। रोक खड़ो ट्रक यार, 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 रोक 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 रोक। एक ट्रक दिखाता है लेकिन वो पुलिस थाने में खड़ा है। भाई हमको तकरीबन एक घंटा हो चुका है ढूंढते हुए, लेकिन हमको एक भी गाड़ी या बस नहीं मिली है। अब हम लोग जो है कबाड़ियों के पास में जाएंगे और अलग अलग लोगों से भी पूछेंगे ताकि हमको कुछ तो मिले यार, ऐसे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। यहाँ पर गाइस बहुत सारे ट्रक्स हैं स्क्रैप में, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ मिल जाए हमें। कोई ट्रक मिल जाओ कोई स्क्रैप में, कबाड़ में जो कि डेट वेट निकल गई है, कबाड़ में कोई ट्रक मिल जाएगा स्क्रैप में, कोई ट्रक हो बस हो, कोई ट्रक बिकाऊ जगह, कोई कन रोड पे नहीं भी चलता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। के नाम से कोई नाम है तो बता दूंगा। थैंक यू भाई। सबके जो ट्रक हैं वो चल्लू हैं और कोई बेचने को तैयार नहीं है। कोई ट्रक जगह बिकाऊ अपना कन या कोई जानकार कन, डेट वेट निकल गई वे, कोई ऐसा ट्रक मिल जाओ कते। 2000 years later भाई ट्रक तो मिला नहीं, चाय जरूर मिल गई, तो पहले चाय पी लेते हैं थोड़ी। कई जगह हम लोग पूछ चुके हैं लेकिन या तो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, एक ट्रक की जो रेट है भाई वो तो लगभग 7 लाख रुपए बता दी, तो इतना तो हमारा बजट नहीं है क्योंकि स्क्रैप का रेट अभी थोड़ा कम चल रहा है। गाइस एक बस है, उससे पूछते हैं भाई। चालू बस एडमिस दीजिए, कोई बस आगो मैं नहीं बताऊंगा। भाई हम लोग बहुत सारा घूम चुके हैं और बहुत सारे व्हीकल्स हमने देखे हैं, ट्रक देखे हैं, बसेस देखी हैं, गाड़ियां देखी हैं, लेकिन गाड़ियों में वजन बहुत कम है तो गाड़ियां तो हम अभी जो है नहीं ले रहे हैं। और भाई हमें अभी स्क्रैप का भाव भी पता लगा है जो कि चल रहा है लगभग 33 रुपए किलो, यानी कि लोहे का भाव। और हमें एक ट्रक का अभी मतलब लीड मिली है कि एक जगह पर एक ट्रक खड़ा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा पुराना है, अभी हम उसको देखने जा रहे हैं। ये रहा वो रहा गाइस, हमको लोकेशन जहाँ की मिली थी बिल्कुल वहीं की वहीं जो ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ तो मिल गया है। भाई हमको ट्रक तो मिल चुका है जिसकी तलाश में हम लोग आए थे। हेलो, गेट ही खुला है भाई इसका, अंदर कोई भी नहीं है। अरे कोई नहीं, तो अपने पार्ट नहीं है भाई साहब। ये क्या कुछ है, कौन सा मॉडल जी है भाई साहब? भाई साहब 2000 है। के भाव बेचो सहने? 2,20,000 मांगा। 2,20,000। और कितना वजन जे में इसमें? 7.7 क्विंटल, 6.5 ऊपर बैठेगा। 6.5 टन से ऊपर है और 7.5 के आसपास है। चलता है कि भाई साहब अभी भी? और 6 टन, 1 मिनट कैलकुलेट कर लो यार। 2 लाख दे देंगे आपको इसके? नहीं 2 लाख कम रहेंगे साहब। कहाँ से हो आप? 2-10 में कर लो। 2-10 दे देंगे। एक बार स्टार्ट करके दिखा सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल। एक बार भाई पहले स्टार्ट करके देख रहे हैं, हालांकि हमको कोई खास मतलब नहीं है गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो। ओ भाई क्या अभी भी चलता है? पता है गाइस हमने स्टार्ट करके क्यों देखा इसको? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है।
क्योंकि अगर हम इसको क्रेन वगैरह से टो करके ले जाते ना तो हमारे लगभग 2-3 हज़ार रुपये उसमें लग जाते, लेकिन अब ये खुद चल के चला जाएगा। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, सारा स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेंगे कि भाई हम इसको खरीद रहे हैं। पैसे कैसे लोगे भाई साहब? गाइस, जो ट्रक है वो हमें मिल चुका है यहाँ पे, और ये जो गाड़ी है ये एक्चुअली चलने के लिए रोड पर तो लीगल नहीं है, और इसीलिए इसकी रेट भी हमें ठीक मिल रही है। 2,20,000 बोली थी, 2,10,000 में हम लोगों ने इसको डन कर दिया है। देखो ये पूरा लोहा है, ऊपर लकड़ी भी है, तो गाइस हमको जो लकड़ी वगैरह है ना उसका वेट हटाना पड़ेगा इसमें से। भाई हम ऐसा नहीं चाहते कि हम खरीद लें 2,10,000 का। एक तो भागा दौड़ी करी, मेहनत करी, 2,10 का खरीद के मान लो 1,90 में बेच दिया। भाई अभी 1,00,000 रुपए हमारे पास में कैश है और 2,10,000 देने, तो बाकी इनको ऑनलाइन कर देंगे। बहुत पैसे अपने पास, ठीक है। बाकी आपका अकाउंट नंबर दे दो या फोन पे दे दो, उस पर कर देते हैं। तो चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स करा लेते हैं। गाइस हम लोग ट्रक के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, पुराने जमाने का ट्रक है। यहाँ पर शिव जी की फोटो लगी है, ये गियर नॉब है लेकिन इसके ऊपर वो हैंडल जो है वो नहीं है। अरे यार भाई बंद हो गया मुझसे और मैं नहीं जाता, रोड पे जाम लगे इसलिए मैंने भाई साहब को दे दिया कि आप ही घुमा दो इसको। भाई नई प्रॉब्लम हो गई, जो ट्रक है वो एक बार बंद हुआ स्टार्ट नहीं हो रहा, रोड के बीच में खड़ा है और ट्रैफिक जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। बस मिल भी पाएगा या नहीं, लेकिन सारी चीज सही बैठ गई है, शुक्र है, और फाइनली हमको एक ट्रक मिल गया है। गाइस मैं ट्रक चला रहा हूँ। तो भाई फाइनली हम लोग, जो गियर के ऊपर का वो नहीं था ना नोब, वो मिल चुका है, और गाइस हम लोग ये ट्रक लेकर के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब ये हमको कितना फायदा देगा नहीं देगा ये नहीं पता, तो अभी तो जो है अंधेरा हो जाएगा, मतलब शाम होने वाली है, तो अब हम जुगाड़ करते हैं इसको काटने पीटने का। क्योंकि कबाड़ी क्या करते हैं कि ट्रक को या कोई भी व्हीकल को लेते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह बेचते हैं, अलग अलग मेटल्स को अलग अलग जगह बेचते हैं। प्लास्टिक अलग बिकता है, लोहा अलग बिकता है, एल्युमिनियम अलग बिकता है, तो ऐसे सारी चीज़ें बिकती है, रबर अलग बिकता है, इसका चेसी इंजन के पार्ट्स अलग बिकते हैं। तो हम इसको जो है काटने के लिए व्यवस्था करते हैं, या तो गैस कटर से कटेगा ये, है ना, या प्लाज्मा कटर से कटेगा। मेरे को तो यही सोच के लग रहा है कि मैं पहली बार ट्रक देखूंगा कि पूरा बिखरा हुआ है, एक चीज क्या क्या आती है ट्रक में। चल झूठा। अभी आपके सामने ट्रक खड़ा है, लेकिन गाइस ये जो है बिखरने वाला है बहुत जल्दी, और हम लोग सोच रहे हैं इसको काटने के लिए लोग बुला लेते हैं। गाइस हमको जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए, तो इसीलिए अब इस ट्रक की कटिंग स्टार्ट करते हैं, आज ही लेके आए, आज ही काटना शुरू करते हैं। भाई ये जो मशीन है ये लोहे को काट देती है। अभी आपको ये जो ट्रक खड़ा दिख रहा है भाई, ये हो सकता है कल या परसों तक पड़ा हुआ दिखेगा। पहला हिस्सा कट गया इसका। और गाइस ये भी देखने वाली बात होगी कि हमारे इस ट्रक में कितना तेल आया है। हाँ अगर सोचो इसमें भाई 50 लीटर तेल निकल गया तो 5,000 रुपए का डीजल हो जाएगा लगभग। भाई देखते हैं कितना डीजल आता है इसमें। भाई पता नहीं, अगर फुल भरा हो तो मजा ही आ जाएगा। गाइस खुलने ए खुल गया, ओ भाई डीजल आ गया। देखो अगर इसमें डीजल मिला, क्योंकि डीजल आता है 100 रुपए लीटर, कम से कम इसमें गाइस 17-18 लीटर डीजल निकल गया, 17-1800 रुपए का। गाइस सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं तो सो के उठा हूँ, लेकिन जब तक मैं सो के उठाऊँ तब तक भाई ट्रक की क्या हालत इन्होंने कर दी है। इतने सारे टुकड़े जो है इसके अलग अलग करके बिखेर दिए हैं। मैंने तो आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ पर सामने का बोनट पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो अंदर गैस कटर है वो चल रहा है जिसकी आग यहाँ निकल रही है। देखो यहाँ भी कितना गर्म है, और ऊपर वाला हिस्सा भी कुछ टूटा है। इस वाली साइड में अगर देखें, सीटें वीटें निकाल दी, केबिन खाली हो चुका है बेसिकली। चले गाइस केबिन के अंदर, ये देखो ये केबिन है और इसके अंदर पार्टी हो रही है। देखो भाई ये देखो कुछ भी नहीं बचा, ये इंजन यहाँ पर है इसका। भाई पूरे ट्रक को हिला देते हैं ये लोग, काट पीट के देखो कैसे हिल रहा है ये।
उत्तरी के पूरा हिस्सा गिर गया इस साइड वाला। गाइस अब इस ट्रक का जो इंजन ऑयल है वो निकालेंगे, इसमें जितना भी इंजन ऑयल निकलेगा गाइस उसको भी हम तो बेचेंगे। ये वाला बोल्ट खोलना पड़ेगा जो करतार खोल रहा है अभी। ये आ गया भाई इंजन ऑयल एकदम काला कलूटा, और नीचे जो हमारी बॉटल है उसमें भर रहा है ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इंजन ऑयल कम है क्योंकि इसका प्रेशर ही नहीं आ रहा। तो गाइस ये इंजन ऑयल निकला इसके अंदर 10 लीटर से भी ज्यादा ही होगा लगभग। भाई एक पूरी बड़ी पीपी भर चुकी है इंजन ऑयल की, जिसको बंद कर देते हैं। भाई रात हो चुकी है और जितना टाइम हमने सोचा था कि इस ट्रक को बिखेरने में लगेगा यानी टुकड़े करने में लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी भी काम चल ही रहा है और आप लोग देख सकते हो भाई जो ट्रक है उसकी पूरी बॉडी हट चुकी है। यहाँ पर इसका चेसी है, अभी जो बचा इंजन इसके अंदर है, बाकी जो हिस्सा है वो लगभग गिर चुका है। देखो भाई कितना सारा स्क्रैप यहाँ पर पड़ा है और बहुत सारा स्क्रैप जो है वो दूसरी साइड में भी पड़ा है। अगर अपन इस वाली साइड में आएँ तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसकी लगभग उतनी ही, और आगे से ये वाला हिस्सा बचा, अब ये वाला गिरेगा। हो गया भाई अब पूरा का पूरा जो ट्रक है वो सामने से एकदम बिना बॉडी का हो चुका है। नहीं चल तो अभी सकता है, इंजन है इसमें और चेसी है पूरा, नीचे का सिस्टम पूरा, हाँ स्टेयरिंग गया भाई इसमें। तो भाई अभी जो है इसको और काटेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि अभी इसको काटने में कितना टाइम लगता है। गाइज आज है तीसरा दिन और अभी भी जो ट्रक है वो कट रहा है। ट्रक का इंजन वगैरह सब कुछ खुल चुका है और ये चेसी गिरा अभी यहाँ पे। ओ भाई एक साइड गिर गई नीचे, देखो अब एक ही चेसी बचा है उस साइड वाला जो हिस्सा है, और यहाँ पे देखो भाई ये है इंजन, इंजन के पार्ट्स हैं सारे के सारे, थोड़ी आग भी लग गई है काटने की वजह से। देखो ट्रक है वो काफी हद तक बिखर चुका है, लगभग सारे जो पीसेस है वो अलग अलग हो चुके हैं, टायर्स अलग पड़े हैं, इंजन यहाँ पर पड़ा है, वहाँ पर आधे इंजन के पार्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर गियर बॉक्स के पार्ट पड़े हैं, गियर बॉक्स पड़ा हुआ है, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे है ना। इनमें अलग अलग तरीके के मेटल्स भी हैं, पीछे का हिस्सा वहाँ पड़ा है, बाकी देखो भाई पूरा जो है ये बिखर चुका है टुकड़ों टुकड़ों में, ये हज़ारों लाखों टुकड़े हो चुके हैं इसके, जो कि एक पीस में था परसों लेकिन 3 दिन लग गए इसमें, अभी भी जो है ये हमारे बेचने लायक नहीं है, तो अभी इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे। आपसे मिलते हैं कल। The next day. Guys, आज चौथा दिन है और जो ट्रक है वो पूरा कट चुका, आप लोग देखो कैसे पूरा बिखर चुका है, और इसी के लिए हमने एक भैया को बुलाया जो कि स्क्रैप का काम करते हैं, जो हमने काटा है उसको कहीं बेचना भी तो पड़ेगा। बात सही है। तो इनसे जो अभी भाव मतलब तोल मोल कर रहे हैं कि कितने रुपए किलो क्या बिकेगा आपको वो दिखाते हैं पहले। आओ इसके अंदर बहुत सारी लकड़ी भी निकल गई एक्चुअली। भाई साहब लकड़ी क्या भाव लोगे? लकड़ी भाई साहब 4 रुपए। 5 रुपए ले लो यार, 5 की बोल रहा हूँ, 5 ले लो लकड़ी, 5 सही है। पीतल क्या भाव लेते हो? पीतल 450 रुपए किलो। कॉपर? कॉपर 600 रुपए किलो। हाँ टायर टप्पा और बताओ यार, टायर टायर की कीमत है 1050 रुपए। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम सरेंडर करा चुके हैं आरटी डिपार्टमेंट को। भाई आप आओ देखो आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो है यहाँ पे हमने इसकी चेसिस प्लेट, हाँ ये चेसी प्लेट थी यहाँ पर, तो चेसी प्लेट कटती है, कट करके आरटीओ में सबमिट होती है तभी वो गाड़ी मतलब रिकॉर्ड से बाहर होती है, वो हमने करवा दिया है, एनओसी मिल चुकी है आरटीओ। दोस्तों स्क्रैप देने के रेट की बात हो चुकी है, और एक मजेदार चीज इस पूरे ट्रक को काटने में ये हुई कि हमको भी बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली, तो आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ। गाइस ये है इंजन का पार्ट, ये सारी चीजें इंजन में से निकली है, देखो कैसे इसके अंदर ये वाले गियर्स हैं, गिरारी है, अलग अलग तरीके के हिस्से इसके अंदर निकले और सारे पार्ट मूवमेंट करते हैं तब जाकर के जो गाड़ी है ना वो चल पाती है। इंजन के हिस्से हैं, ये जो है इसका सेल्फ स्टार्ट है, ये जो है अल्टरनेटर है जो कि हमारी गाड़ी में पावर बनाता है बिजली, इसी से गाड़ी की हेडलाइट जलती है, बैटरी को चार्ज करता है। ये वाला पार्ट इंजन का पार्ट है, छोटा दिखेगा लेकिन ये जो पार्ट है ये गियर का पार्ट है, ये गियर बॉक्स है, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और देखो भाई
इतने सारे गियर जब लगते हैं ना, तब जाके हमारी गाड़ी का गियर बॉक्स बनता है, जिसमें पहला दूसरा चौथा पांचवा रिवर्स गियर डलते हैं, तीसरा भी डलता है। यहाँ पर देखो ये निकला इसके अंदर गाइस पीतल, ये लोहा नहीं है, पीतल है, जो कि काफी महंगी रेट पर बिकता है, तो ये हमें फायदा देगा जरूर से। ये इंजन की बॉडी है जो कि बहुत भारी है, इसमें 6 होल्स हैं जो 6 सिलेंडर हैं। ये इस गाड़ी का क्रैंक है जिसमें पिस्टन्स अटैच्ड होते हैं, देखो ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा आता है। और ये है ट्रक के पिस्टन्स गाइस, इस तरीके के पिस्टन आते हैं जो कि सिलेंडर के अंदर चलता है, ये इसके अंदर रहता है ऐसे, इसमें जो होल है उसमें रहेगा और अंदर बाहर निकलता रहेगा। और सोचो गाइस, अंदर जो डीजल या फ्यूल जलता है, ये पिस्टन सारा पावर जो है गाड़ी को बाहर दे देते हैं और गाड़ी चलने लगती है इनकी मदद से। ये नहीं हो तो गाड़ी का इंजन काम नहीं करेगा, पिस्टन है ये। पीछे का जो हिस्सा है ये ट्रक का डिफरेंशियल है और ये पीछे के टायर को पावर देता है और ट्रक जो है पीछे के टायर की पावर से ही चलता है। अगर आपने आज तक अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट नहीं देखी तो दिखा देता हूँ, ये है आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट। ये जो प्लेट है इसको क्लच प्लेट बोलते हैं और ये है प्रेशर प्लेट, ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। ये और ये वाला हिस्सा जो है इसका बाहर का केसिंग है। ये गाड़ी का डैशबोर्ड है जिसमें मीटर वगैरह है, ये भी कट चुका है अलग से। ये जो है साइलेंसर है, कितना मोटा साइलेंसर है भाई। यहाँ पर जो है ट्रक की टंकी है जिसमें डीजल डलता है और ये है ट्रक का स्टीयरिंग व्हील गाइस, ये भी बहुत भारी है, इतना हल्का नहीं है जितना दिखता है। तो अब हम वेट करते हैं कल का, कल इस सामान को लोड कराएंगे, फिर कांटा कराएंगे यानी कि इसका वजन कराएंगे और उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि हमको फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। इसलिए आपसे मिलते हैं कल। गाइज आज है 5वां दिन और अब फाइनली हमारी जो गाड़ी है, जो हमारा ट्रक है वो लोड होगा। उसके लिए एक गाड़ी तो आ चुकी है लेकिन एक गाड़ी में नहीं जाएगा, तो अभी और गाड़ी भी आएगी। भाई गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है स्टीयरिंग वाला, उसको हम ट्रक में लोड कर रहे हैं और जेसीबी से उसको रखना पड़ रहा है। तो बस ये लास्ट चीज़ें बची, उसके बाद में सिर्फ लकड़ी बचेगी। और हमको 5 दिन हो चुके हैं ये पूरा ट्रक को काटने पीटने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन ये नहीं पता कितना पैसा आएगा अभी। तो भाई फाइनली आज का पूरा दिन लग गया इस ट्रक को लोड करने में। एक टेम्पो यहाँ खड़ा है, एक पिकअप वहाँ खड़ी है, बड़ा जो ट्रक है वो वहाँ खड़ा हुआ है जो कि भर चुका है। और गाइस साथ ही साथ में एक पिकअप शुरू में जो आई थी वो भी जा चुकी है। तो अब इन सब का वेट कराते हैं और देखते हैं कितना वजन निकलता है और हम पानी में हैं या फिर पानी से ऊपर है। गाइस देखते हैं, चलो अभी जो है लकड़ियों का वजन हो रहा है। ये चढ़ा कांटे पे, तो गाइज अब आते हैं हिसाब के ऊपर कि हमने इतनी जो भागा दौड़ी करी, इतनी सारी चीजें करी, ट्रक को काटा पीटा बेच दिया, हुआ क्या, फायदा हुआ नुकसान हुआ, वो तो जो है पता करना पड़ेगा। और गाइज इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं, बड़े ही मजेदार नतीजे हैं, तो अब उनकी बात करते हैं। टोटल जो वजन निकला वो निकला लगभग 7100 किलो के आसपास, 7100 से 7200 के बीच में है। लोहा निकला है ट्रक के अंदर गाइज 4729 किलो, जो कि 37 रुपए के हिसाब से हमारा बिका तो बन गया 1,74,973 रुपए। एक लोहे में अलग कैटेगरी आती है जिसको बुरी बोलते हैं, जिससे इंजन का बॉक्स बनता है, गियर बॉक्स बनता है और भी बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, वो निकला गाइस 1345 किलो और वो गया हमारा 39 रुपए के हिसाब से, तो वो हो गया 52,455 रुपए का। प्लास्टिक जो निकला वो निकला 3.5 किलो ट्रक में, बस इतना ही निकला, 18 रुपए किलो के हिसाब से 63 रुपए का बिका ओनली, लेकिन हमारे लिए तो वो भी बढ़िया है। लकड़ी जो है वो निकली गाइस 610 किलो, जो कि 5 रुपए किलो के हिसाब से 3,050 रुपए की बिकी। एल्यूमिनियम 35 किलो निकला, जो कि 150 रुपए के हिसाब से कार्ड में बिका, काफी महंगा बिका, तो ये हो गया गाइस 5,250 रुपए का। पीतल हमारा निकला पूरे ट्रक में 1300 ग्राम, हम सोच रहे थे कि ज़्यादा पीतल निकलेगा लेकिन पीतल के सिर्फ 5 कड़े निकले, वो भी गियर बॉक्स के अंदर, तो वो जो है 1300 ग्राम हुआ, लेकिन वो 1300 ग्राम भी 585 रुपए का बिक गया, 450 रुपए किलो के हिसाब से। कॉपर निकला गाइस 1 किलो 280 ग्राम, 1.28 केजीज, लेकिन इसमें हमने 2 केबल रख ली,
जिनमें लगभग वजन था 1.5 किलो के आसपास में। तो मैंने जो बेचा वो बता रहा हूँ, वो हमारा 250 रुपए किलो के हिसाब से 320 रुपए का बिका, क्योंकि प्लास्टिक भी उसके साथ में था। कॉपर 600 रुपए किलो है, लेकिन अगर प्लास्टिक उसके ऊपर कवर्ड है ना, तो वो महंगा नहीं बिकता, क्योंकि प्लास्टिक का तो थोड़ी ना इतना पैसा कोई देगा। 1100 रुपए का टायर यानी कि रबर वाला पार्ट और 2000 रुपए की एक रिम, तो 6 के टोटल हो गए 3100 रुपए पेयर के हिसाब से, मतलब 3100 रुपए एक टायर रिम के हिसाब से 18600 रुपए। जो ऑयल निकला इंजन ऑयल और पीछे का जो वो ट्रक के अंदर एक क्राउन होता है जिस पार्ट में डिफरेंशियल होता है ट्रक का, पीछे का जो हिस्सा है ये ट्रक का डिफरेंशियल है और ये पीछे के टायर्स को पावर देता है और ट्रक जो है पीछे के टायर की पावर से ही चलता है, उसमें निकला गाइस टोटल मिला के 20 लीटर तेल 40 रुपए के हिसाब से बिका, 800 रुपए का बिक गया। डीजल निकला था लगभग 20 लीटर जो कि हमने अपनी गाड़ी में डाल लिया, 20 लीटर जो है 90 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए का हो गया। तो गाइस इस तरीके से हमारा पूरा जो ट्रक है वो बिका 2,57,896 रुपए का। 10,000 रुपए हमारे खर्च भी हुए क्योंकि हमने ट्रक को कटवाया था गैस कटिंग से, तो 10,000 उसमें लग गए। तो टोटल गाइस हमारे पास में मुनाफा बचा 2,47,896 रुपए, लेकिन 500 रुपए हमारे एग्रीमेंट में लग गए थे जब हमने डॉक्यूमेंटेशन कराया। तो टोटल प्रॉफिट जो है फाइनली वो बचा गाइस 2,47,396 रुपए। और ये है गाइस कबाड़ में एक ट्रक को काट करके बेचने के बाद की स्थिति। तो गाइस हमने फाइनली जो प्रॉफिट है वो कमा लिया है इस ट्रक को बेच करके। मुझे पहले बहुत सारे डाउट्स थे क्योंकि हम पहली बार ये चीजें कर रहे हैं कि ऐसे कबाड़ में कोई चीज खरीद के उसको काट पीट के बेच दिया, लेकिन गाइस उसके अंदर हमने इतना टाइम दिया, ये जो पैसा बढ़ा है ना ये उसी टाइम का नतीजा है, लेकिन उसके लिए हमको कितना घूमना फिरना पड़ा, ट्रक ढूंढना पड़ा, माता फोड़ी करनी पड़ी, कितने लोगों से बातें करनी पड़ी, उसके बाद में उसको काटना पीटना पड़ा है ना, अलग अलग जगह बेचना पड़ा, मतलब अलग अलग चीजें अलग अलग करा के फिर ये हिसाब किताब करना पड़ा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन गाइस फाइनल जो रिजल्ट है वो यही है प्रॉफिट में हम लोग गाइस फाइनली। तो इस चीज के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार गाइस, आप सभी के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि आप भी हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। अगर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। अगर आप चाहते हैं गाइस आप भी ऐसे कोई चीज कबाड़ में खरीद के काटना चाहे तो गाइस बिल्कुल कटवा सकते हैं, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि व्हीकल जो होते हैं वो आपके नाम या तो रजिस्टर्ड होने चाहिए या फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये चीज आपने स्क्रैप में खरीदी है, क्योंकि बहुत सारे इलीगल चीजें भी इनके साथ में होती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।